कि आप सब जानते हैं, हर हफ्ते हम आपको अपने इस सेगमेंट में मिलवाते हैं यंग अचीवर से, जो होते हैं थोड़े हटके और जिनसे मिलने के बाद दिल कह उठेगा ये हुई ना बात। हेलो व्यूअर्स, मेरे हाथ में ये बैडमिंटन रैकेट देखकर अब जरूर सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ बैडमिंटन कोर्ट की बजाय हाथ में माइक पकड़ के रिपोर्टिंग क्यों कर रही हूँ। अरे भाई, पर क्या करती जब फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर्स सुजाता पवार जी और उदय पवार जी के इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियन बेटे आनंद पवार ने हमसे मिलने में हामी भरी, तो बस मैं आ गई यहाँ उनसे गुफ्तगू करने। तो आइए चलते हैं। माँ पापा की आंखों के तारे आनंद ने जब मात्र 4 साल की नन्ही उम्र में अपने नन्हे नन्हे हाथों से बैडमिंटन का रैकेट उठाया, तो माँ पापा जान गए कि आनंद की मासूम आंखें किन बुलंदियों को छूने का सपना देख रही हैं। पेरेंट्स का साथ मिला और एक के बाद एक कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में आनंद ने पार्टिसिपेट कर कई अवार्ड्स पर अपना नाम अंकित कर दिया। खेल के प्रति डेडिकेशन और पैशन ने आनंद पवार को उस मुकाम पे ला खड़ा किया जहां अपने बेटे को देख हर पेरेंट का सीना चौड़ा हो जाता है। हेलो सर, वेल सबसे पहले आपके मन में एक ख्याल कब आया कि आपको भी मम्मी पापा की तरह बैडमिंटन खेलना है? जब मैं अबाउट 5-6 साल का था तभी पापा ऑलमोस्ट स्टॉप करने वाले थे, तो उनके साथ मैं प्रैक्टिस पे जाता था, तो तभी थोड़ा बहुत खेलना चालू किया था। तो तब से ही मुझे गेम में बहुत इंटरेस्ट हुआ था, पर जो मेन इंटरेस्ट मेरा जब बढ़ गया था जब मैंने टूर्नामेंट्स खेलना चालू किया, जब मैं अंडर 10 इंटर स्कूल वगैरह जैसे छोटे टूर्नामेंट्स खेलता था, तो मेरा इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया था उसके बाद। आपने मतलब फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट कब खेला और वो फीलिंग कैसी थी? मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2002 में था। मैं वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप्स के लिए सिलेक्ट हुआ था साउथ अफ्रीका में। आपके पापा उदय पवार भी फॉर्मर इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर रहे हैं, तो क्या आपने उनसे ट्रेनिंग ली है? हाँ, पहले से ही पापा मेरे कोच रह चुके हैं जब से मैंने बैडमिंटन स्टार्ट किया है, और मम्मी ने भी काफ़ी हेल्प किया है। आनंद, आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। मैं जूनियर्स में अंडर 13, अंडर 16 और 19 में नेशनल चैंपियन रहा हूँ, और 2008 में मैंने ऑस्ट्रियन इंटरनेशनल, पोर्चुगीज इंटरनेशनल और हंगेरियन इंटरनेशनल जीता था, और लास्ट ईयर मैंने स्कॉटिश इंटरनेशनल जीता था, और डच ग्रैंड प्री के सेमीफाइनल्स तक मैंने पार किया था। अच्छा आनंद, बचपन में जब आप कोचिंग किया करते थे तो मॉम या डैड में से कौन ज़्यादा स्ट्रिक्ट कोच था? आई थिंक बचपन में मम्मी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, क्योंकि मम्मी मेरे बैडमिंटन के बारे में सब इंचार्ज थी, मुझसे ट्रेनिंग और स्कूल से पिकअप करना, स्कूल भेजना, आई थिंक और सभी एस्पेक्ट्स में आई थिंक मम्मी ने मेरा देखभाल किया पहले से, तो आई थिंक मम्मी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। वो कौन से टाइटल है जो आप अचीव करना चाहते हैं? बहुत पहले से मेरा ये सपना रहा है कि मैं ऑल इंग्लैंड चैंपियन बनूं। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन का विंबलडन कहलाया जाता है, और सबसे प्रेस्टिजियस टाइटल है बैडमिंटन सर्किट में, और आई थिंक मेरा नहीं पर हर कोई बैडमिंटन प्लेयर का यही सपना है कि ये टाइटल जीते। हम यही आशा करते हैं कि आनंद बैडमिंटन के सबसे बड़े टूर्नामेंट्स जीते। On this positive note, this is YJ Sefali Gautam signing off for Young Turners on Sahara 1.